डियर 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 स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विज्ञान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तेजस्वी राज और मैं हूँ आपका फिजिक्स एजुकेटर, है ना। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किसकी बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अटोमिक फिजिक्स की, है ना। क्या होता है सर अटोमिक फिजिक्स? तो बेसिकली अटोमिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स जो आपका सब्जेक्ट का चैप्टर है, फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर है क्लास 12th का, उसका सबसे पहला सेक्शन है, सबसे पहला पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, लेट मी गिव यू सम ऑफ द यू नो एक्सपेक्टेशंस व्हिच यू शुड हैव फ्रॉम दिस सेशन। फर्स्ट इज दैट दिस इज अ वन शॉट सेशन, यानी इस सेशन में हम पूरे सेशन में अटोमिक स्ट्रक्चर और या अटोमिक फिजिक्स जो भी आप बोलो उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जो सेशन की स्पीड होगी थोड़ी फास्ट होगी, फास्ट पेस सेशन होगा ये, बिकॉज हम लोग डिटेल में एक एक चीजों को थोड़ा लंबा करके डिटेल में धीरे धीरे तब पढ़ाते हैं जब हम उस चैप्टर को नॉर्मल वीडियोस में करवाते हैं, ठीक है। बट आज क्योंकि ये वन शॉट वीडियो लेक्चर है, ये आपके रिविजन पर्पज के लिए है, फॉर योर जेई एंड नीट, और स्पेशली ये उन बच्चों के लिए टारगेटेड है जो कि जेई 2024 में देने वाले हैं या नीट 2024 में देने वाले हैं। तो डेफिनेटली अब उनके पास समय कम है, स्पेशली जेई के बच्चों के पास तो बहुत कम समय बचा है। तो आपके लिए ऐसी वीडियो मैंने इसीलिए लाई है ताकि आपको मॉडर्न फिजिक्स का जो थोड़ा बहुत आइडिया है उसके साथ ये वीडियो इनकॉर्पोरेट करके आपकी मॉडर्न फिजिक्स को बिल्कुल परफेक्ट कर दे, आपके थोड़ी बहुत आइडिया को बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियाज में कन्वर्ट कर दे और आप इस चैप्टर को वो अपना स्ट्रेंथ बनाकर जाओ, ठीक है। तो दैट इज माई मोटो बिहाइंड इट, ओके। सो या जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मॉडर्न फिजिक्स का सबसे पहला सब चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मैं इसीलिए बोलूंगा क्योंकि हर साल जेई मेन से हर पेपर में एक या दो क्वेश्चंस तो मिनिमम अटोमिक फिजिक्स से केवल रहते हैं और जेई एडवांस में भी रहते हैं एंड नीट में भी काफी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं अटोमिक फिजिक्स से। ऑल्सो ये जो चैप्टर है ना बहुत ही ईजी चैप्टर है ना। मतलब इस चैप्टर को करने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इस चैप्टर को सीखने में समझने में ज्यादा टेंशन या ज्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। इट इज अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, ठीक है। तो क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, आज आप देखना मैं जितने भी जेई के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, जितने भी पीवाईक्यूज करवाऊंगा इस सेशन में, सारे आपके एक एक या दो डेफिनेट सेट ऑफ फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वो चंद फॉर्मूले याद होंगे, जिनको भी याद करना बहुत आसान है, बहुत ही इजी टू लर्न फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे बच्चों तो आपसे एटॉमिक फिजिक्स के क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व होंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट अस बिगिन द सेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम तेजस्वी राज है और आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, या फिर इसको कुछ लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देते हैं कि एटम होता क्या है ना। व्हाट इज एन एटम? तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ एन एलिमेंट एंड कंटेन्स ऑल ऑफ द एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स। एक एटम क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोनेंट तो होता है बट उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज उस स्मॉलेस्ट कंपोनेंट में एम्बेडेड होती है, इनकम्पास्ड होती है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स को हम प्रॉपर्टी भी कहेंगे, ठीक है। तो भले ही एटम सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है किसी भी एलिमेंट का, बट उस स्मॉलेस्ट कंपोनेंट में उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी, सारी एट्रीब्यूट्स क्या होती है, इनकॉर्पोरेटेड होती हैं या मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ये एटम का डेफिनेशन हो गया। द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन एटम्स वॉज प्रूवन थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एटम में क्या होते हैं, एटम में तीन मेजर कॉम्पोनेंट्स होते हैं, क्या क्या? एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा क्या होता है, न्यूक्लियस, है ना। ये तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं किसके, एक एटम के। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करा गया, थॉमसन ने, जे.जे. थॉमसन सर ने अपना इलेक्ट्रॉन बाय मास का मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट किया और बाकी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे गए, ठीक है, जिसके थ्रू हमें इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस का एटम के अंदर पता चला, ठीक है। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपके सिलेबस में नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने बस इनका इंट्रोडक्शन नाम दिया है और इस पे हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है। मैटर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज अ होल।
सो द क्वेस्ट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एन एटम बिगिन आफ्टर दैट. हमें पता है कि हम सब मैटर के बने, राइट? हम सब में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मास है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एटम है जिससे कि हम सब बने हैं. तो हम सब मैटर हैं और हम सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है? एज अ होल, एज अ नेट, हमारी जो नेट चार्ज होती है वो जीरो होती है, हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. तो अब जब साइंटिस्ट को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली उन लोगों ने, तो उन्हें लगा कि अब इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, तो अगर केवल एटम में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तब तो हम सब जो होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होने चाहिए, बट वी आर तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो हाउ इज इट पॉसिबल? यानी इस नेगेटिव चार्ज को कोई पॉजिटिव चार्ज बैलेंस कर रहा होगा. तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पहले हुई और उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी की शुरुआत हुई फ्रॉम दिस प्रिंसिपल दैट अ मैटर शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है, आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर. ये तो इंट्रोडक्शन है. अब आते हैं थॉमसन की अटोमिक मॉडल पे. ठीक है, थॉमसन ने अपना एक अटोमिक मॉडल प्रपोज किया था. थॉमसन वॉज अ साइंटिस्ट, ही वॉज अ फिजिसिस्ट. ठीक है, उन्होंने 1898 में ही प्रपोज दैट द एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर विथ इनफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडेड इन इट टू मेक द एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो वो बोलना ये चाह रहे थे कि एटम एक सॉलिड स्फीयर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस डायग्राम में, कि एटम एक सॉलिड स्फीयर है जिस जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मतलब वो पूरा स्फीयर ही पॉजिटिव चार्ज का बना है. ठीक है, और उसमें जगह जगह पे हमने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को इम्बेड किया हुआ है, यानी फिक्स किया हुआ है. जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये पूरा जो स्फीयर ये पॉजिटिव चार्ज से बना है और इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको हमने फंसा कर रखा है या इम्बेड करके रखा है इस स्फीयर में. ये देख पा रहे हो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये तो इसको एक तरह से वाटरमेलन स्ट्रक्चर जैसा बोल सकते हो. वाटरमेलन जो होता है वो पूरे वाटरमेलन को प्रोटॉन मान लो पॉजिटिवली चार्ज, और उसमें जो सीड्स होते हैं लाल लाल जो सीड्स होती हैं उनको मान लो इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो यही था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि आपको डायग्राम से समझ आ रहा होगा. मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया कि वाटरमेलन क्या होता है. पूरा वाटरमेलन को मान लो एक प्रोटॉन, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं छोटे 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 छोटे, उनको मान लो इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब देखो, इट कुड एक्सप्लेन व्हाई ओनली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेवर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर रिलीज्ड व्हेन अ मेटल इज हीटेड. देखो, नोटिस ये किया गया था ना थॉमसन एटॉमिक मॉडल से पहले, कि जब भी हम किसी मेटल को हीट करते थे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलता था. ठीक है, इसके बारे में डिटेल में तुम पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में. ठीक है, तो जब भी हम मेटल को हीट करते थे ना, यानी मेटल पर या तो लाइट पास करवाई या कोई भी हीटिंग मटेरियल पास करवाया, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लग जाते थे. ठीक है, तो ये जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था ये एक्सप्लेन कर पाया कि क्यों केवल इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट होता है, क्योंकि पूरा सॉलिड स्फीयर तो प्रोटॉन का बना है, तो प्रोटॉन तो उसमें से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोटॉन का ही तो बना है, पॉजिटिव चार्ज का ही तो वो बना है. ठीक है, बट उसमें गड्ढे में फंसा हुआ क्या है, नेगेटिव चार्ज. तो अगर आप हीट करोगे तो वो गड्ढे से नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बाहर गिरेगा. ठीक है, तो ये एक्सप्लेन कर पाया हमारा थॉमसन का एटॉमिक मॉडल. ठीक है, इसने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ आयंस एंड आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिएटेड इन केमिस्ट्री. ठीक है, कि कैसे केमिस्ट्री में आयंस और आयोनिक कंपाउंड का क्रिएशन होता है. जैसे अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पूरा जो एटॉमिक मॉडल है, पूरा जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एक हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन बन गया, इस तरीके से. तो ये दो चीजें थॉमसन की एटॉमिक मॉडल ने एक्सप्लेन किया. कैसे किया एक्सप्लेन, अपने इस पोस्टुलेट से, अपने इस थियोरी से. बट देर वर सम लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल. पहले आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी. ठीक है, नाउ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल. ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल वॉज अनेबल टू डिस्क्राइब हाउ द पॉजिटिव चार्ज ग्रिप्स द इलेक्ट्रॉन इन साइड द एटम. देखो, हमने ये तो बोल दिया कि स्फीयर है, पूरा ये पॉजिटिवली चार्ज है, बट थॉमसन ये नहीं बता पाए कि इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बांध कर रखते हैं, कैसे फंसा कर रखते हैं. यानी ये पॉजिटिव चार्ज का जो स्फीयर है ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर इम्बेड करके रखता कैसे है, इसकी एक्सप्लेनेशन थॉमसन नहीं दे पाए. पहली मिस्टेक, पहली ड्रॉबैक. दूसरी ड्रॉबैक, इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी दैट एन एटम पोजेसेस. ठीक है, एटम की स्टेबिलिटी को ही डिफाइन नहीं कर पाया थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, कि एटम एज अ होल स्टेबल कैसे है. भाई, अगर इलेक्ट्रॉन उसमें फंसा हुआ है जस्ट, तो कभी भी गिर के निकल जाएगा हल्के से प्रेशर, हल्के से फोर्स पे, और फिर तो पूरा मैटर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ना.
तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया थॉमसन का अटोमिक मॉडल। तीसरा, इसमें न्यूक्लियस की कोई बात नहीं करी गई। इस अटोमिक मॉडल में जे.जे. थॉमसन ने न्यूक्लियस की कोई बात नहीं करी, न्यूक्लियस का कोई जिक्र नहीं किया, इवन दो आगे चल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। तो दिस वॉज ऑल्सो अ ड्रॉबैक ओनली ऑफ थॉमसन अटोमिक मॉडल। अब आपको लग रहा होगा, सर आप इतने तेजी में क्यों पढ़ा रहे हो थॉमसन अटोमिक मॉडल, क्योंकि ये आएगा ही नहीं, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं। बट मैं आपको एटम की हिस्ट्री देना चाह रहा था, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सीधा मैं रदरफोर्ड से स्टार्ट कर दिया। तो एटम है क्या सर, एटम की स्टार्टिंग की जो फेज थी वो क्या थी, उसको आपको मैं एटम की हिस्ट्री के साथ एक्वेंटेड करना चाह रहा हूँ, इसलिए आई एम टीचिंग यू। इनसे क्वेश्चन नहीं आते थॉमसन से, ठीक है, बट स्टिल आई वॉन्टेड टू लेट यू नो कि कैसे एटम की समझ में मॉडिफिकेशन हुई विथ टाइम। ठीक है, नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज रदरफोर्ड अटोमिक मॉडल। इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या, इससे भी थियोरिटिकल क्वेश्चन आते हैं केवल जेई में और नीट दोनों में, याद रखना। इससे कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, इससे केवल थियोरिटिकल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, केवल थियोरिटिकल क्वेश्चंस। तो देखो रदरफोर्ड अटोमिक मॉडल क्या बोलता है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो बाय कंडक्टिंग सेवरल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग टेस्ट, या फिर इसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, बिटवीन 1906 एंड 1911, अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो कि एक फिजिसिस्ट थे, वाज द वन हु फाउंड द सॉल्यूशन टू द इशू। विच इशूज, ये तीन इशूज जो मैंने अभी बात करी, ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग टेस्ट करके रदरफोर्ड साहब को फाइनली जवाब मिल गया कि एटम कैसे स्टेबल है, एटम में न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट है, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को कैसे आपस में बांध के रखता है। ये तीन क्वेश्चन के जवाब जो हमें थॉमसन मॉडल से नहीं मिले थे, वो हमें रदरफोर्ड के अटोमिक मॉडल से मिल गए, ठीक है। क्या है रदरफोर्ड का अटोमिक मॉडल, तो ध्यान से देखो। देखो ये गोल्ड फॉइल दिख रहा है, ठीक है, ये गोल्ड फॉइल लिया था उन्होंने। गोल्ड फॉइल इसीलिए लिया था क्योंकि गोल्ड की मैलियबिलिटी बहुत हाई होती है और गोल्ड बहुत ही स्ट्रांग मटेरियल है, ठीक है। और ये एक रेडिएशन सोर्स है, ठीक है, रेडियम मान लो। इससे अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड करवाया, स्ट्राइक करवाया हमने इस गोल्ड फॉइल पे। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम, हीलियम 2+, यानी हीलियम 2+ को हमने बॉम्बार्ड करवाया इस गोल्ड फॉइल पर। और उसके बाद उस गोल्ड फॉइल के पीछे एक्चुअली हमने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा रखी थी, ठीक है, ये देख पा रही हो फ्लोरेसेंट स्क्रीन ग्रीन वाली, ये लगा रखी थी अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग को विजिबल रेंज में देखने के लिए, ठीक है। तो जब हमने अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड करवाया ना गोल्ड फॉइल पे, तो हमने देखा कि 90% अल्फा पार्टिकल जो थे वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गए और यहाँ पर स्क्रीन पर विजिबल थे, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल को देखा गया कि मेजर डिफ्लेक्शन हुआ उनके उनके में मेजर डिफ्लेक्शन हुआ अल्फा पार्टिकल में जब वो गोल्ड फॉइल से टकराए। ऐसे कुछ अल्फा पार्टिकल देखे गए, यानी लेके चलो 8 to 9%। और अब द इंटरेस्टिंग पार्ट बच्चों, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे देखे गए जो सीधा गोल्ड फॉइल से टकराए और वापस आ गए कंप्लीटली 180 डिग्री, यानी वो गोल्ड फॉइल से ऐसे जाकर टकराया और ऐसे वापस आ गया। ऐसे 1% अल्फा पार्टिकल देखे गए, ठीक है। अब रदरफोर्ड का दिमाग यहां पर खराब हुआ इस 1% अल्फा पार्टिकल को देखकर। उनका दिमाग ऐसे तो इस 8 to 9% अल्फा पार्टिकल की जो इतनी स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन थी उसकी वजह से भी थोड़ा थोड़ा खराब हो रहा था, बट जब उन्होंने देखा कि अरे कुछ अल्फा पार्टिकल तो पूरा डिफ्लेक्ट होकर वापस ही आ गए, अब ये क्या लोचा है, ये हमें क्या बताता है एटम की स्ट्रक्चर के बारे में, तो देखते हैं क्या बताता है दोस्त। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास कर गए, कुछ में बहुत हेवी डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो ये वाला जो है ना, और कुछ में माइनर डिफ्लेक्शन हुआ। ओके, अब समझो उन्होंने बोला क्या, इसको समझने की कोशिश करो। इन दिस टेस्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज बॉम्बार्डेड इन अ थिन गोल्ड फॉइल। बेसिकली जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल आइदर पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डेविएशन और जस्ट स्लाइटली डेविएटेड, ठीक है। दिस वॉज एंटिसिपेटेड सिंस एन अल्फा पार्टिकल विल स्वीप असाइड एनी स्मॉल पार्टिकल इन इट्स पाथ बिकॉज इट इज अ हेवी पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बहुत ही हेवी पार्टिकल है ना नेचर का, तो ये रदरफोर्ड ने ये सोचा कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि अल्फा पार्टिकल के रास्ते में कुछ आया और वो डिफ्लेक्ट कर जाए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो हेवी पार्टिकल, ठीक है। बट क्या देखा गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत ही सिग्निफिकेंट डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया ये वाले अल्फा पार्टिकल्स, एंड कुछ अल्फा पार्टिकल यानी
8,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो बिल्कुल ही 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गए, ऑलमोस्ट टर्निंग देम बैक, ऑलमोस्ट मतलब ऐसा सोचो कि वो लौट कर वापस आ गए, आउट ऑफ 8,000 अल्फा पार्टिकल एक के साथ ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसका रीजन क्या था, क्यों हुआ ऐसा? दिस इज बिकॉज अल्फा पार्टिकल आर वास्टली हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स और अदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड वुडंट टिपिकली कॉज सिग्निफिकेंट रिफ्लेक्शन। देखो उनके लिए विश्वास करना मुश्किल इसीलिए था रदरफोर्ड के लिए कि भाई अल्फा पार्टिकल इतना हेवी पार्टिकल है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स तो उसको इतना भयानक डिफ्लेक्शन नहीं दे सकते, ये तो 110% श्योर है। ठीक है, तो क्या था ऐसा चीज, क्या ऐसी चीज है इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम के अंदर जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल में इतना मेजर डिफ्लेक्शन देखा गया? दी ओनली एक्सप्लेनेशन इज दैट अल्फा पार्टिकल मस्ट हैव एनकाउंटर्ड एन एक्सीडिंगली मैसिव पार्टिकल, ठीक है, विद इन द एटम, पॉसिबली क्लोज टू द एटम्स मास। तो उन्होंने ये अज्यूम किया कि अल्फा पार्टिकल या तो एक ऐसी चीज से टकराया है एटम के अंदर जो कि इतना मैसिव है कि उसकी जो मास है वो ऑलमोस्ट पूरे एटम के मास के बराबर है। मोर ओवर सिंस मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू अनडिस्टर्ब, दिस हेवी पार्टिकल्स विद इन द एटम मस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी टाइनी वॉल्यूम। ये भी एक दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने करा कि देखो 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो आराम से पास हो गए या स्लाइट डिफ्लेक्शन के साथ पास हुए, कुछ चंद ही अल्फा पार्टिकल्स थे ना जिनमें बहुत ही हेवी डिफ्लेक्शन हुई या जो टर्न बैक कर गए। इसका मतलब पूरे एटम में तो वो हेवी वाला मास नहीं है जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हुआ, पूरे एटम में बहुत ही एक छोटा स्पेस वो हेवी वाले मास ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और जब उस छोटे स्पेस के तरफ हमारा अल्फा पार्टिकल गया तो वो डिफ्लेक्ट बैक हो गया। ठीक है, और इससे एक और चीज प्रूव हो गई कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है। एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एटम इज एम्प्टी, याद रख। ठीक है, ऑलमोस्ट लिख देता हूँ वरना आप लोग रोने लग जाओगे, सर उस किताब में तो 80 लिखा था 70 लिखा था व्हाटएवर। ठीक है, तो ये सारे एजम्पशंस उन्होंने करे, क्या करा एजम्पशन कि एटम के अंदर एक बहुत ही छोटा बट बहुत ही हेवी पार्टिकल है ऐसा प्रेजेंट है जिसकी मास ऑलमोस्ट एटम के मास के बराबर है और जो कि बहुत ही स्मॉल स्पेस ले रहा है एटम में बट बहुत पावरफुल है जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल में कुछ हेवी डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब रदरफोर्ड ने क्या करा, अ क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिगेशन ही हैज डन यूजिंग द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पैटर्न, ही डिस्कवर्ड दैट हेवी पार्टिकल फ्रॉम विच एन अल्फा पार्टिकल एक्सपीरियंस द सिग्निफिकेंट डिफ्लेक्शन हैड अ पॉजिटिव चार्ज एंड कंटेन्ड ऑलमोस्ट द इंटायर मास ऑफ द एटम। उन्होंने क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिगेशन करके ये पता लगाया कि वो जो हेवी मास था जिसकी वो बात कर रहे थे कि जो एटम के अंदर है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और उसका मास ऑलमोस्ट पूरे एटम के इंटायर मास के बराबर है। ठीक है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल वाइडली एक्सेप्टेड टुडे पोजिट्स अ टाइनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द एटम सेंटर। तो फाइनली उनका कंक्लूजन था ये जो मैंने बोल्ड में लिखा है, देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि एटम के सेंटर पर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें कि ऑलमोस्ट एटम का इंटायर मास है, जिसमें कि ऑलमोस्ट एटम का इंटायर मास है। इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट्स दिस न्यूक्लियस एट अ डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट करती है, ठीक है, एट सर्टेन डिस्टेंस, और जो स्पेस है उस न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में वो मोस्टली एम्प्टी है, और वही बताता है कि एटम की साइज कितनी है, यानी जितना ज्यादा स्पेस होगा एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एटम उतना बड़ा होगा, जितना कम स्पेस होगा उतना छोटा होगा। ठीक है, ये था फाइनल कंक्लूजन जिससे कि हमें न्यूक्लियस के बारे में पता लगा कि न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, मास क्या होता है उसका इंटायर एटम के मास के ऑलमोस्ट बराबर, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है उसके अराउंड ऑर्बिट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की डिस्टेंस होती है वही एटम का साइज बताती है। ठीक है, इंपॉर्टेंटली द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस बैलेंस प्रिसाइजली विद द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन मेंटेनिंग ओवरऑल न्यूट्रलिटी। हो गया ना, जो हमें थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में परेशानी थी कि वो ये नहीं बता पा रहे थे कि एटम ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे है, उसको रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअली न्यूक्लियस में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं इन एन एटम, ठीक है, जिसकी वजह से एज अ होल पूरा एटम न्यूट्रल होता है, एज अ होल पूरा एटम न्यूट्रल होता है। सोचो इस बारे में, टेक अ मिनट एंड थिंक। ठीक है, तो ये तो अभी तक हम रदरफोर्ड की बड़ाई कर रहे थे, है ना,
भाई रदरफोर्ड मॉडल की ये अच्छाइयां थी, बट कुछ ड्रॉबैक भी थी, तभी तो आगे चलकर इसको भी रिजेक्ट किया गया है ना। ड्रॉबैक क्या थी समझो, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, जो प्राइमरी ड्रॉबैक था ना रदरफोर्ड मॉडल का, इट वाज दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई कि अगेन थॉम्सन वाली इशू आ गई कि थॉम्सन सर ने भी स्टेबिलिटी नहीं बताया था एटम का, कि एटम कैसे स्टेबल होगा। रदरफोर्ड भी नहीं बता पाए, क्यों? क्योंकि होगा क्या ना कि मान लो ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो दोस्त, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट कर रहा होगा इस न्यूक्लियस के अराउंड, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड लूज एनर्जी। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग ना, तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट करेगा, या कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करेगा, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, उसकी एनर्जी घटेगी। तो लोगों ने, साइंटिस्ट ने ये पूछा रदरफोर्ड से कि भैया ये इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये जितने देर एक्सेलरेट करेगा और ऑर्बिट करेगा, वैसे वैसे इसकी एनर्जी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, और घटते घटते एक टाइम आकर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएगा, बूम। बट ऐसा होता नहीं है, एटम तो स्टेबल है, ऐसा तो होता नहीं है कि वो कोलैप्स कर जाता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो ये एक चीज रदरफोर्ड नहीं बता पाए। एंड सेकेंड चीज, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या होता है सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? अगर आप किसी मेटल को हीट करते हो ना, व्हेन यू हीट सम मेटल, तो उसमें से रेडिएशन एमिट होता है, और उस रेडिएशन की वजह से मेटल ग्लो करने लग जाता है। मेटल क्या करने लग जाता है? ग्लो करने लग जाता है, ठीक है। एंड ग्लो करने लग जाता है, उसकी एनर्जी कम होने लग जाती है। तो अगेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अगर रेडिएशन इलेक्ट्रॉन से निकल रही है, ठीक है, अगर एक एटम में कोई भी एक ऐसा चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है, तो एटम हीट क्यों नहीं हो रहा है, एटम ग्लो क्यों नहीं कर रहा? तो ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड अपने पॉस्टुलेट से, अपने एटॉमिक मॉडल से। तो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल यही है, ठीक है। ये सेकंड वाले पॉइंट पे ज्यादा ध्यान मत देना, इसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ेंगे। पहला वाला वाज द मेन इशू कि इलेक्ट्रॉन जाकर टकरा क्यों नहीं जाता न्यूक्लियस से, क्योंकि वो तो कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करेगा ड्यू टू इट्स एमिटिंग रेडिएशन वाली प्रॉपर्टी। तो उस वजह से रदरफोर्ड ने को पूछा गया कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन एटम से टकरा गया, सॉरी न्यूक्लियस से टकरा गया, तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट ऐसा तो होता नहीं है, तो एक्सप्लेन करिए कैसे स्टेबल है फिर एटम, वो कर नहीं पाए। किया किसने? उनके स्टूडेंट ने। कौन था सर उनका स्टूडेंट? उनके स्टूडेंट का नाम था नील्स बोर। बहुत ही नामी गिनामी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, नील्स बोर। ओपेनहाइमर मूवी में भी इनके बारे में बताया गया। नील्स बोर वाज द स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड, ठीक है। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने एटॉमिक मॉडल पे, तो नील्स बोर उसको ऑब्जर्व कर रहा था, और जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड पर क्वेश्चंस उठे, तो नील्स बोर ने बोला मेरे पास इसका जवाब है, मैं एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज कर रहा हूँ जिसमें कि रदरफोर्ड की जो कमियां थी उसको मैं ओवरकम करूंगा, ठीक है। उन्होंने क्या बोला देखो, उन्होंने ये बोला कि द ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस आर सर्कुलर। पहले तो उन्होंने बोला कि जो न्यूट्रॉन है, मान लो ये पूरा न्यूट्रॉन है, ठीक है, अब इस न्यूट्रॉन के अराउंड जो ऑर्बिट होगी वो सर्क्युलर ऑर्बिट होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रोटेट करेगा या सर्कुलेट करेगा या रिवॉल्व करेगा अराउंड अ न्यूक्लियस, ठीक है। ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। दिस इज आई के नॉट एम्फेसाइज मोर कि कितना इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट द ऑर्बिट्स आर सर्क्युलर, ओके। सेकेंड उन्होंने बताया कि देयर आर जस्ट अ फ्यू यूनिक वैल्यू ऑफ रेडियस दैट द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस कैन टेक। उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में जाकर रोटेट करने लग जाएगा अराउंड द न्यूक्लियस। देयर आर सम सर्टेन वैल्यू ऑफ रेडियस, उसी रेडियस की वैल्यू में, उसी रेडियस की वैल्यू कंटेन करने वाली ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रोटेट या ऑर्बिटाइज करेगा अराउंड न्यूक्लियस। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स बन सकते हैं। मान लो दिस इज आर इज इक्वल टू 1, दिस इज आर इज इक्वल टू 2। तो उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है कि आर इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन
घूमने लग जाए न्यूक्लियस के अराउंड। वो बोल रहे हैं कि आर इज इक्वल टू 1 में ना घूम कर, हो सकता है वो आर इज इक्वल टू 2 में घूमे। देयर आर सर्टेन ऑर्बिट्स जो कि स्पेशली डिजाइंड है इलेक्ट्रॉन्स के रोटेट करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन्स केवल उसी में रोटेट करेंगे, ठीक है। और ये जो ऑर्बिट्स होंगे, स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्बिट जिसमें की कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स को रोटेट करवाने की, वो एनर्जी इमिट नहीं करेगा, ठीक है। उन्होंने ऐसा बोला कि इस ऑर्बिट्स में, इस स्पेशल ऑर्बिट्स में अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट या रोटेट करेगा तो इट विल नॉट इमिट एनर्जी, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्यों करते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स, नाम से समझो, ये ऐसा ऑर्बिट है जहां पर इलेक्ट्रॉन एज ए स्टेशनरी प्रतीत होता है। क्यों स्टेशनरी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट तो कर रहा है बट एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अगेंस्ट है। तो इसीलिए बोर ने बोला कि इस ऑर्बिट में ऑलमोस्ट हम ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, क्योंकि वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है। तो ऐसे स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्बिट्स को हमने क्या बोला, स्टेशनरी ऑर्बिट। ये कैसा ऑर्बिट है, स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। ओके, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हो बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ नाइट्रोजन एटम, क्या नाइट्रोजन का रहे हाइड्रोजन का रहे फर्क नहीं पड़ता। विजुअलाइज करने के लिए बीच में न्यूक्लियस ये वाला, ठीक है, उसके अराउंड ये सर्कुलर पाथ जिसमें कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते इन अ गिवन स्टेशनरी ऑर्बिट। अब स्टेशनरी ऑर्बिट याद रखना, अभी आगे से हम लोग अब इसी की बात करेंगे डिटेल में। स्टेशनरी ऑर्बिट यानी स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन को इजाजत है रोटेट करने की, सर्कुलर मोशन करने की। इन अ गिवन स्टेशनरी ऑर्बिट एटम्स एनर्जी हैज अ डिफाइंड वैल्यू, ठीक है। हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी होती है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन हैज द एबिलिटी टू जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू द अनदर। इलेक्ट्रॉन के पास ये एबिलिटी होती है कि वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट पे जंप कर जाए, ठीक है। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस, ये एक स्टेशनरी ऑर्बिट, ये दूसरी स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है, उसके पास ये एबिलिटी है कि वो यहां से जंप करके इधर आ जाए, ठीक है, और इधर फिर अपना सर्कुलर मोशन करने लग जाए, ओके। अब जब ये जंप करेगा ना बच्चे, तब आता है मेन गेम की शुरुआत। इट एमिट्स अ फोटोन ऑफ रेडिएशन व्हेन इट जंप्स फ्रॉम अ हायर एनर्जी ऑर्बिट टू अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट। मान लो ये एक हायर एनर्जी ऑर्बिट था E2, और ये E1 एक लोअर एनर्जी ऑर्बिट था। तो जब इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में जंप करेगा ना, तो वो एक फोटोन रिलीज करेगा, फोटोन ऑफ रेडिएशन रिलीज करेगा, यानी एक तरह से देखो एक रेडिएशन रिलीज करेगा, ठीक है। और उस फोटोन की एनर्जी जो होगी वो इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस होगी, यानी E2 - E1 होगी, ठीक है, E2 - E1 होगी। द आइंस्टाइन प्लैंक इक्वेशन डिटरमाइंस द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। अब देखो, जो E2 से E1 में जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, तो जो उसने रेडिएशन प्रोड्यूस किया, जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, इट एमिट्स अ फोटोन ऑफ रेडिएशन, उस रेडिएशन की कुछ वेवलेंथ भी होगी ना। अब उस वेवलेंथ को कैसे निकालेंगे, तो उस रेडिएशन की वेवलेंथ को निकालने के लिए आइंस्टाइन और प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक ने एक इक्वेशन दिया, जो इक्वेशन ये है, E2 - E1 इज इक्वल टू hc/λ। दिस इज द इक्वेशन, एंड बच्चों बिलीव मी और नॉट, दिस इज द इक्वेशन विच यू गोइंग टू यूज इन योर इंटायर एटॉमिक फिजिक्स। ये एटॉमिक फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। E2 - E1 इज hc/λ, वेयर E2 वाज व्हाट, E2 वाज द हायर एनर्जी ऑर्बिट, E1 इज उप्स उप्स हो गया ये तो, उप्स E1 इज लोअर एनर्जी ऑर्बिट, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी हर बार, C इज स्पीड ऑफ लाइट, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो क्या क्या है, E2 जो है हायर एनर्जी ऑर्बिट,
E1 इज लोअर एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है, एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट एंड लैमडा इज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, जो कि हमें मेनली निकालना था, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, बट क्या लोअर से हायर में भी जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी ऑब्जर्व करके लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में भी जा सकता है, और उसमें भी हम सेम फॉर्मूला लगाते हैं, उसमें भी हम क्या लगाएंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। ओके सो बच्चों, आई वॉन्ट यू अगेन, आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दिस वन, ठीक है, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड एंड बिलीव मी दैट दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। सो प्लीज काइंडली काइंडली अभी भी आप नोटबुक में ये फॉर्मूला फटाफट लिख लो, क्योंकि इस पर हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, एंड काइंडली रिमेंबर दिस फॉर्मूला लाइक बाइबल, लाइक रामायण, लाइक गीता, लाइक कुरान, ठीक है, लाइक एनी ऑफ द स्टोरीज विच यू लाइक हैरी पॉटर बुक्स, ठीक है, वॉट एवर इट इज, यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला लाइक एनीथिंग बच्चों। कुछ भी हो जाए ये फॉर्मूला आपको नहीं भूलना है, ठीक है। चलो अब स्टेशनरी ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट सर्कुलर है, इलेक्ट्रॉन उसमें सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसकी एंगुलर मोमेंटम भी होगी। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एन एच अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। वाई? बिकॉज एन इज अ इंटीजर, एच एज आई टोल्ड अगेन इट इज अ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और 2 पाई तो हमें पता है क्या है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कीप दिस इन माइंड, कीप दिस इन माइंड, ओके, ठीक है। चलो अब आते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ बोर्स मॉडल का, ठीक है, कि बोर्स मॉडल का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है। गंदा सा डायग्राम बनाते हुए एक इंसान आपके सामने, व्हाट इज दी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ बोर्स मॉडल? अब इसमें हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव करने वाले हैं बच्चा लोग, तो थोड़ा आँख कान नाक खोल लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूले डिराइव ज्यादा नहीं करेंगे यार, फॉर्मूले क्या डिराइव करने हैं, वन शॉट वीडियो चल रही है ना, इसमें मैं आपको एक्वेंटेड करवाऊंगा फॉर्मूले से, है ना, ठीक है। अब देखो, वी नो, या चलो लेके चलते हैं, वी अज्यूम दैट न्यूक्लियस हैव जेड ई चार्ज ऑन इट। कैसे सर, कैसे हम अज्यूम करते हैं ये? बच्चों ऑब्वियस सी बात है ना, ई इज दी वैल्यू ऑफ सिंबल ऑफ चार्ज एंड जेड इज दी नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज इज दी टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस में अगर जेड ई चार्ज है बच्चे, ये मान ले न्यूक्लियस है, ठीक है, जेड ई चार्ज का, इससे सर्टेन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इससे सर्टेन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, और ये जो सर्टेन डिस्टेंस है इसको मान लो आर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की टेंजेंशियल वेलोसिटी है वी, ठीक है ना। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़ा है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कौन सा लगता है, कूलम फोर्स लगता है, ठीक है। अगर दो चार्जेस आर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, और वो किस तरफ लगेगा ये सोचो। पहले तो ये छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो इस पर जो कूलम फोर्स लगेगा ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लगेगा, और यही कूलम फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, सेंट्रिपेटल फोर्स। दिस कूलम फोर्स ओनली इज प्रोवाइडिंग सेंट्रिपेटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन, ताकि इलेक्ट्रॉन स्टेबल होकर ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन कर पाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एफ कॉल लिख दे रहा हूँ ताकि एफ कूलम आपको पता चले। तो एफ कूलम, कूलम फोर्स क्या होता है? कूलम फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको के लिखते हैं, Q1 Q2, Q1 इज जेड ई, Q2 इज ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये क्या होता है MV² बाई आर, ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। क्या किया हमने, सेंट्रिपिटल फोर्स हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है,
जो कि सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है टू द इलेक्ट्रॉन, तो हमने क्या किया बच्चों, दोनों की इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, ठीक है। सेकेंड सेकेंड कंसेप्ट इज, यू नो दैट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, एंड एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, करेक्ट, यही होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी आर, और ये किसके बराबर है, एन एच अपॉन टू पाई के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम वी का फॉर्मूला निकालना चाहें तो वी क्या हो जाएगा, एन एच बाई टू पाई एम आर, सही है ना, वी क्या हो जाएगा एन एच बाई टू पाई एम आर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करेंगे ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन आया ना उसमें हम वी की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, के जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाई आर, एम बाई आर को बाहर रखो, वी स्क्वायर क्या आएगा, एन एच बाई टू पाई एम आर का होल स्क्वायर, एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई एम आर का होल स्क्वायर, देख लो ना दोस्त, यही तो है वी स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर रहे ना इसमें, क्या हो जाएगा एन एच बाई टू पाई एम आर का होल स्क्वायर, एम बाई आर को बाहर रखा है, ठीक है दोस्त। अब देखो ये जो इक्वेशन आया ना हमें, अब इससे हमें आर की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी हमें आर की वैल्यू, आर क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, आर क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो इससे जो हमें आर की वैल्यू मिलती है, पूरा बोल्ड में लिखता हूँ, इससे जो हमें आर की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी एन स्क्वायर बाई जेड 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एन स्क्वायर बाई जेड 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है आर, आर इज R is radius of the orbit। ये कहां से आया सर, इसको सॉल्व करोगे ना इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे, स्क्वायर हटाओगे, ब्रैकेट हटाकर सॉल्व करोगे, तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा पूरी, ठीक है। तो R is the radius of the orbit, Z is the what, atomic number of atom और एलिमेंट, एंड एन इज वॉट, एन इज वॉट, एन इज एन इंटीजर, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज नोटिस करो, अगर मैं इसको देखूं तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, सही है ना, क्योंकि अगर प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाएंगे तब ये कांस्टेंट आ जाएगा, नहीं तो ऐसे तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, कि जो रेडियस होता है ना ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन के, वो इंटीजर पे डिपेंड करता है, इंटीजर के स्क्वायर पे, जिसके बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे एन एक्चुअली में एग्जैक्टली में है क्या अभी थोड़ी देर में, और जेड यानी अटोमिक नंबर पे, ठीक है, यानी जिस एटम का अटोमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होगी, कम, है ना, ठीक है। इसको विजुअलाइज करो, अब अगर हमें v निकालना है, v यानी कितने स्पीड से ऑर्बिट कर रहा था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, यानी जिसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, या ऑर्बिटल स्पीड, या ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं या वेलोसिटी, तो अगर हम वो निकालें v, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन कूलम्ब फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, सेंट्रीपेटल फोर्स, तो k जेड ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना, और दूसरा क्या था इक्वेशन, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, यही दोनों इक्वेशन यूज करेंगे अगेन, देखो कैसे, यहाँ से वी क्या आ जाएगा अगेन हमारा, एन एच बाई टू पाई एम आर, सेम चीज सेम फंडा, ठीक है। तो अब देखो तो ध्यान से, ये जो वी आया हमारा, वी इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई एम आर, इसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा क्यों ही लिखूंगा तो दोबारा, ठीक है ना। तो NH by 2 pi m को अगर एक तरफ कर लें, NH by 2 pi m को अगर एक तरफ कर लें, ठीक है,
हमारे पास बचेगा क्या? बचेगा क्या जल्दी बताओ? जेड बाई 1/r बचेगा ना यार। अरे बोलो ना, एन एच बाई 2 πm अगर एक साथ कर लें तो क्या बचेगा? 1/r। 1/r क्या है? एन एच बाई 2 πm। आर अभी क्या आया था? आर आया था एन स्क्वायर 0.529/z, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जेड अपॉन एन स्क्वायर इंटू 0.529। थैंक्स। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो वी की वैल्यू आएगी, बोल्ड में लिख देता हूँ, सॉल्व करोगे तो जो वी की वैल्यू आएगी वो आएगी जेड बाई एन इंटू 2.2 × 10^6 m/s। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वी इज इक्वल टू जेड बाई एन इंटू 2.2 × 10^6 m/s। ठीक है, कूल। जहां पर जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। एन इज एन इंटीजर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। ये भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये आ गया ऑर्बिटल स्पीड का इक्वेशन, है ना? अब देखो, यहां पर एन की बात अगर करें तो इन सारी इक्वेशंस में फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन ना, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन वी हैव अ स्टेशनरी ऑर्बिट, वी हैव अ स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, जैसे एन इज इक्वल टू अगर 1 है तो इसको कहते हैं हम फर्स्ट ऑर्बिट, एन इज इक्वल टू अगर 2 होगा तो इसको हम कहेंगे सेकेंड ऑर्बिट, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एन इज इक्वल टू 3 के लिए थर्ड ऑर्बिट, एन इज इक्वल टू 4 के लिए फोर्थ ऑर्बिट, है ना? इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। तो एन की सिग्निफिकेंस समझ गए? ये एन केवल इंटीजर नहीं है, एक्चुअली इट इज सेइंग स्टेटिंग यू अबाउट द ऑर्बिट, कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये था अपना रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट, ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या करेंगे, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम एज अ होल। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? के ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, है ना? ठीक है, हो जाएगा हाफ इंटू एम, और वी की वैल्यू कितनी आई थी दोस्त? वी की वैल्यू क्या आई थी? एन एच बाई 2 πm आर। ये वाला देखो, एंगुलर मोमेंटम वाला, एंगुलर मोमेंटम वाला, वी की वैल्यू क्या आई थी? एन एच बाई 2 πm आर। क्योंकि हम पूरे एटम की स्पीड निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं ना, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल स्पीड नहीं लेंगे इसमें, है ना? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर बी में आपने इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल स्पीड क्यों नहीं ली, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एन एच अपॉन 2 πm आर होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बालकों, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा बहुत ही गंदा, बहुत ही ज्यादा गंदा। ठीक है, मुझे भी याद नहीं है इसलिए मैंने लिख रखा है 2π² जेड स्क्वायर ए स्क्वायर एम ई का पावर 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। सर क्या ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं याद करने की। ठीक, हमें बस मतलब है टोटल एनर्जी ऑफ द एटम से, हमें बस मतलब है टोटल एनर्जी ऑफ द एटम से। उसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों निकालनी पड़ती है। ठीक है, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। यू से डिनोट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम, तो यू क्या होगा? क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू बाई आर। के क्यू वन क्यू टू इज -E/r, यानी -KZe(e). आर क्या आया था अपना? आर क्या आया था? देखो ना यहाँ पर, आर वॉज एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.529, डाल दो ना।
अब जब आप इसको डालोगे ना, सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तो जो यू की वैल्यू आएगी, यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -4π² z² k² m e का पावर 4 डिवाइडेड बाई n² h² ठीक है। अगेन इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हमें ये निकालना इसीलिए पड़ता है बिकॉज हमें टोटल एनर्जी ऑफ द एटम निकालनी है। अब आते हैं मेन फंडे पे जिसका नाम है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हमें पता है क्या होता है ना, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो अगर आप सम करोगे ना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन को, जो भी हमें आया, ये दोनों को सम करोगे ना जब, ठीक है, तो सम करके मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पर टोटल एनर्जी क्या आएगा आफ्टर एडिंग दोज टू वैल्यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वी गेट। आई नो माई हैंड राइटिंग इज टेरिबल, कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो आप लोग, बेइज्जती कर सकते हो मेरी थोड़ी, ठीक है। ई आएगा -13.6 × z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और ये आसान भी है याद करना, बोलो ना ये मुश्किल लग रहा है क्या। इतने क्वेश्चंस करेंगे ना इस पे, या तुम भी करोगे घर पे जाके, कि तुम्हें ये फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, -13.6 × z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² / n² टोटल एनर्जी ऑफ द एटम, ठीक है। ये भी इस चैप्टर का थर्ड VVI इक्वेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। पहला कौन सा था याद है? पहला था ये वाला E2 - E1 = hc/λ, दूसरा था ये L = nh/2π, तीसरा है ये टोटल एनर्जी ऑफ द एटम विच इज -13.6 × z² / n² हर जगह इक्वेशन में यूज होगा ये इक्वेशन न्यूमेरिकल में, ठीक है। अब अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन एटम एंड स्टडी कि उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के केस में ध्यान से देखो, जेड की वैल्यू क्या होगी, अटोमिक नंबर इज जेड, हाइड्रोजन का अटोमिक नंबर क्या होती है 1, ठीक है। हमें पता है En is -13.6 × z² / n² तो n इज इक्वल टू 1 के लिए E की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर n इज इक्वल टू 1 E1 विल बी व्हाट -13.6 × z² बिकॉज n तो 1 हो गया, ठीक है, और z स्क्वायर भी क्या है 1 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट पे जो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसी को कहते हैं ग्राउंड स्टेट, यानी इस स्टेट में सबसे स्टेबल होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस स्टेट में सबसे स्टेबल होता है इलेक्ट्रॉन। एन इज इक्वल टू 2 के लिए E2 कितना हो जाएगा, -13.6 × 1/4, है ना, क्योंकि जेड इज 1 एन इज 2 तो 2 का स्क्वायर इज 4, तो 13.6 को जब 4 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब ऐसा स्टेट जहां पर इलेक्ट्रॉन स्टेबल फील ना करे, वो एक्साइटमेंट वाले स्टेट में रहे, है ना। हम एक्साइटेड रहते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत यू नो क्या हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हो E2 इज ग्रेटर देन E1, ठीक है। बट क्या उस समय स्टेबल होते हैं, स्टेबली सोच पाते हैं या स्टेबल होते हैं, नहीं, सिमिलरली, ठीक है। एन इज इक्वल टू 3 के लिए E3 क्या हो जाएगा, -13.6 × 1/9, है ना, तो ये हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको कहते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या कहते हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। आई नीड फ्यू मोर साइंस, आई नीड फ्यू मोर साइंस, राइट दे दो, हाँ ठीक है। हाँ जी भैया, तो फॉर एन इज इक्वल टू 4, अभी तक हमने किसकी बात करी थी, एन इज इक्वल टू 3 की, एन इज इक्वल टू 4 के लिए E4 क्या हो जाएगा, -13.6 × 1/16, है ना,
ये हो जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको कहते हैं फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, सॉरी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, पीछे तक सेकंड था ना, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि एन इज इक्वल टू वन तो ग्राउंड स्टेट हो गया, ये हो गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसको एक तरीका होता है डिफाइन करने का, यू नो ऑर्बिट्स को और एनर्जी स्टेट्स को, तरीका कैसा होता है मैं बताता हूँ। हम कुछ सर्टेन लाइंस बनाते हैं, जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट। आई एम सो सॉरी फॉर द व्हाट एवर हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड। ओके यहाँ तक तो ठीक है ना, आई थिंक देयर वाज सम सिस्टम एरर, मैंने कोई गलत बटन दबा दिया होगा, फिर से लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ठीक है आ जाओ। हाँ मैंने क्या बताया था अभी कि n इज इक्वल टू फोर के लिए ई फोर क्या होगा, -13.6 इंटू 1/16, तो ये क्या हो जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको कहते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और इसी तरीके से फिर n इज इक्वल टू 5 के लिए फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 5th के लिए फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 6th के लिए 5th एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। अब इसको हम लोग एक तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं, वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब देखो ये पांच लाइंस दिख रहे हैं ना, आप सोच रहे हो कि सर क्या ही बना दिया आपने ये तो, ठीक है। इसको कहते हैं n इज इक्वल टू 1, जिसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ये हो गया n इज इक्वल टू 2, ये हो गया n इज इक्वल टू 3, ये हो गया n इज इक्वल टू 4, और इसको कहते हैं n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। मान लेते हैं ये बहुत दूर पे, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, बहुत दूर पे, बहुत दूर पे, एन इज इक्वल टू क्या ये 3, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, बोलते ये है ना, ये सारे क्या है आपके स्टेट्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है, दे आर नथिंग बट स्टेशनरी ऑर्बिट्स बच्चों। अब बोलते ये है कि अगर एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी से कोई इलेक्ट्रॉन सीधा एन इज इक्वल टू 1 पे जाए, ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 1 इज ग्राउंड स्टेट, उसके बाद जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, एक्साइटेड स्टेट्स। अब अगर मान लो ऐसा बोला जाता है ना कि अगर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से कोई इलेक्ट्रॉन सीधा n इज इक्वल टू 1 में जाए, या n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में जाए, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 में जाए, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में जाए, तो ऐसे रेडिएशन को हम एक नाम देते हैं और वो नाम है लाइमन सीरीज। उस रेडिएशन को हमने एक नाम दे रखा है उनके साइंटिस्ट पर जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, वो है लाइमन सीरीज। अब अगर हम ऐसा बोले कि इन्फिनिटी से एन इज इक्वल टू 2 पे जा रहा है, कहीं से भी गिर कर वो एन इज इक्वल टू 2 पर अगर पहुंच रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं बाल्मर सीरीज। तो क्या कहते हैं, बाल्मर सीरीज। और अगर कहीं से भी गिर कर एन इज इक्वल टू 3 पे पहुंच रहा है, तो इसको कहेंगे पैश्चन सीरीज, ठीक है। तो ये नाम आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे बेसिकली, इसीलिए मैंने आपको ये नाम बता दिए, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैश्चन सीरीज तक तो कोई पूछेगा भी नहीं, बट लाइमन और बाल्मर बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको फेमिलियरिटी रहे कि ये चीजें क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिकली नाम है साइंटिस्ट के जिन्होंने ये अलग अलग रेडिएशन को क्या किया था, क्वाइन आउट किया था, अलग अलग रेडिएशन को क्वाइन आउट किया था, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन।
टॉपिक का नाम है फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रही है इलेक्ट्रॉन के एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरे एक्साइटेड स्टेट पे जंप करने से या एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप करने से जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। वेवलेंथ तो हमने निकाल ली, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, वेवलेंथ कहाँ निकाली थी? यहां से निकल जाएगा वेवलेंथ। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो एच न्यू जो होता है, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, वो होता है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल के बराबर। ठीक है, जहां पर ई फाइनल इज ग्रेटर देन ई इनिशियल। ठीक है, या फिर मैं ई फाइनल इनिशियल की जगह ई वन ई टू लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, ई एन टू ई एन वन, जहां पर एन टू इज ग्रेटर देन एन वन, यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हाइयर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे जा रहा है, तो एच न्यू जो होगा उसके एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। और न्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे जेड स्क्वायर एम ई का पावर 4। अगेन बहुत गंदा सा फॉर्मूला आएगा, इसको इग्नोर करना। 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है, यानी लोअर एक्साइटेड स्टेट माइनस हायर एक्साइटेड स्टेट, यानी एक तरह से कह सकते हो 1/n फाइनल इसका स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो न्यू को क्या लिखते हैं, 1/λ भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो 1/λ क्या हो जाएगा, इस जेड स्क्वायर एम ई का पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब लिख दो ना यहाँ पर, जेड स्क्वायर एम ई का पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब देखो एक चीज होती है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, क्या होती है रिडबर्ग्स कांस्टेंट? उसका जो सिंबल होता है वो होता है आर, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एम ई का पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब इंटू सी। ठीक है, और यहां पर आप देखोगे एच क्यूब इंटू सी भी होगा, जेड स्क्वायर एम ई का पावर 4 भी है। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, दैट इम्प्लाइज 1/λ हो जाएगा आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आया होगा तो आपको मेन इस फॉर्मूले से लेना देना रखना है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नंबर चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया। ठीक है, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इससे हमें वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी इमिटेड रेडिएशन की। आर की एक वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है 1.1 × 10⁻⁷ पर मीटर। ये होती है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो कि आप इसमें पुट करोगे, और ऐसे आपको यू नो न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यूज दी रहे। ठीक है, सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। ओके बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज होती है, छोटा सा कंसेप्ट रह गया। ठीक है, मैं एक और स्लाइड प्रिपेयर करता हूँ, छोटा सा कंसेप्ट रह गया है आयोनाइजेशन एनर्जी का। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी, हाँ सोच रहे हो सर पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दिया आपने फिजिक्स बोल बोल के, है ना बेटा? केमिस्ट्री में तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा ही गलत सलत पढ़ाते हैं, क्या ही बोलूं मैं, है ना? अभी आप समझ रहे होगे एक्चुअली में एटम चीज क्या होती है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बोलता है कि इट इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू गिव एनी इलेक्ट्रॉन सो दैट इट गेट डिटैच कम्प्लीटली फ्रॉम द एटम। यानी इतनी एनर्जी जो कि हम किसी इलेक्ट्रॉन को दे पाए जिससे कि वो एटम को छोड़कर बाहर निकल जाए, भाग जाए, तो इसको कहते हैं E इज इक्वल टू -13.6 Z² / n²। बस इस फॉर्मूले को याद रखना, बाकी कुछ नहीं है। दैट्स इट, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर, n इज ऑर्बिट नंबर विच इज एन इंटीजर। सिंपल,
यही आयोनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चंस आते हैं इससे, काफी दबा दबा के क्वेश्चंस आते हैं, आलतू फालतू क्वेश्चंस है ना, ऐसे क्वेश्चंस इनका कोई सर पैर नहीं होगा, बट आपको सॉल्व करना पड़ेगा इस बेकार से फॉर्मूले से, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं है, ये फॉर्मूला भले ही बेकार सा लग रहा होगा बट है अगेन VVI नंबर 5, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट अब तो। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। यहीं पर एटॉमिक फिजिक्स की थ्योरी का दी एंड होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। पहला, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन हीलियम प्लस मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन इज इक्वल टू 3 टू एन इज इक्वल टू 2। हमें बोल रहा है कि कितना रेडिएशन का, कितने वेवलेंथ का रेडिएशन हीलियम आयन ने या हीलियम एटम ने रेडिएट किया होगा जब उसके इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू 3 से एन इज इक्वल टू 2 में गया होगा, ठीक है। ये पूछ रहा है, हमने अभी निकाला 1 बाई लैमडा का फॉर्मूला, क्या होता है आर जेड स्क्वायर 1 बाई एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाई एन इनिशियल स्क्वायर, है ना। आर की वैल्यू कितनी दी थी, पहले आर को रहने दो, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी, फॉर हीलियम जेड विल बी 2 क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 1 बाई लैमडा क्या हो जाएगा 4 आर, आर जेड स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर विच इज 4, 4 इंटू आर, एन फाइनल इज हाउ मच 1 बाई 4 बिकॉज एन इज इक्वल टू 3 से एन इज इक्वल टू 2 में गया, तो फाइनल स्टेट तो एन इज इक्वल टू 2 हो गया ना, और एन इनिशियल कितना था, एन इज इक्वल टू 3 1 बाई 9। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 बाई 9 आर, है ना। तो लैम्डा क्या हो जाएगा 9 बाई 5 आर, ठीक है, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल, तो 9 डिवाइड बाई 5 इंटू 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7। इसको जब सॉल्व करोगे तो 164 नैनोमीटर आपका आंसर आएगा। दिस अमाउंट ऑफ वेवलेंथ वाज एमिटेड इन अ हीलियम एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्ड फ्रॉम एन इज इक्वल टू 3 टू एन इज इक्वल टू 2। ये पहला बहुत ही बेसिक सवाल एटॉमिक फिजिक्स का। अब देखो, the excitation energy of a hydrogen like ion in its first excited state is 40.8 electron volt, find the energy needed to remove electron from the ion। आ गई ना ionization energy की concept। अब देखो इस question को कितने आसानी से solve करेंगे, ठीक है। hydrogen like ion है first excited state में, है ना, तो first excited state में n की value क्या होगी, 2 होगी, n first excited state n will be equal to 2 और hydrogen like ion है तो z is equal to 1। ionization energy मैंने कितनी बताई थी, formula क्या बताया था, -13.6 into z square by n square, ये क्या हो जाएगा -13.6 into 1 by 4, तो 4 by -13.6 divided by 4 जब आप करोगे तो जो value आएगी That will be your answer, करके देख लेते हैं कैलकुलेटर दिया है अपने पास। 13.6 divided by 4, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इतनी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाएगा एटम से, ठीक है। क्या किया हमने, बस यही वाला फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा फॉर्मूला, यही वाला, मतलब कौन सा, ये वाला, और इससे क्या निकाल लिया, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन लिथियम 2 प्लस फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड बोर ऑर्बिट। बोर ऑर्बिट मतलब कुछ नहीं, एन की बात हो रही है, ठीक है। पहला पार्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन क्या होगा अगर हमें एन इज इक्वल टू 1 से एन इज इक्वल टू 3 पे इलेक्ट्रॉन को भेजना है, तो है ना। तो बच्चे E1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू 13.6, यही होता है ना। तो E1 के टाइम पे n की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर इंटू 13.6, और लिथियम के लिए जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, फॉर लिथियम जेड की वैल्यू विल बी हाउ मच, टेल मी 3। तो E1 क्या हो जाएगा 9 into 13.6, तो उसके फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, 9 into 13.6, करके देख लो, नेगेटिव साइन रहेगा, सॉरी भूल गया,
9 into 13.6. ये हो जाएगा -122.4 इलेक्ट्रॉन. ये लिथियम के एटम की पहली ऑर्बिट की एनर्जी है. ठीक है, E इज इक्वल टू 3 पे भेजना है ना, उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे? -9/9 इंटू 13.6. क्यू 9/9? जेड स्क्वायर इज 9, जेड स्क्वायर विल बी 9 बिकॉज जेड इज 3 एंड एन इज ऑल्सो 3, तो एन स्क्वायर विल बी 9. ये कट गया -13.6 इलेक्ट्रॉन. अब E3 - E1 कितना होगा? -13.6 -- +122.4 -13.6 -122.4. यानी 122.4 में से 13.6 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस नहीं आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा. 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये डेल्टा ई आ गया. ठीक है, तो अब अगर डेल्टा ई आ गया तो वेवलेंथ कैसे निकलेगा? वेवलेंथ निकालने का तरीका क्या है? HC/लैम्डा इज इक्वल टू क्या? डेल्टा ई. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन पहला वाला, HC/लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा ई. देख रहे हो, मैंने बोला था ना इन्हीं सारी इक्वेशन का यूज करेंगे हर जगह. ठीक है, तो भैया लैम्डा कितना हो जाएगा? HC/डेल्टा ई. HC का एक वेल डिटरमाइंड वैल्यू होता है 1242, ठीक है, नैनोमीटर. और डेल्टा ई कितनी आई? 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. डिवाइड कर दो तो 1242 डिवाइडेड बाई 108.8 विच इज 11.41 नैनोमीटर. इतनी रेडिएशन वेवलेंथ की रेडिएशन निकलेगी किससे? लिथियम एटम से, जब उसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बोर ऑर्बिट से थर्ड बोर ऑर्बिट यानी n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 में जाएगा. ठीक है ना, पार्ट ए तो समझ आ गया. कुछ नहीं किया, पहले फर्स्ट बोर ऑर्बिट की एनर्जी निकाल ली, थर्ड बोर ऑर्बिट की एनर्जी निकाल ली, सिंपल फॉर्मूला लगा के, कौन सा? ये वाला. ठीक है, z और n की वैल्यू हमें पता ही है, दोनों का डिफरेंस लगा दिया और ये वाला फॉर्मूला लगा दिया. दोनों का डिफरेंस कैसे निकाला? E3 - E1 करके. सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग दिस एमिशन. स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रल लाइन मतलब ये होता है, देखो ये होता है स्पेक्ट्रल लाइन, ये रेड वाला एरो, ये ब्लू वाला एरो. तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन होंगे n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 जाने में? या तो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 पे जाएगा, एंड देन n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 पे जाएगा. ये दो स्पेक्ट्रल लाइंस हो गए. और एक तरीका हो सकता है कि सीधा n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 पे चला जाए. ये एक स्पेक्ट्रल लाइन हो गया, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल कितना आ गया? 3 स्पेक्ट्रल लाइंस. तो 3 स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी योर आंसर. ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था बट आसानी था ना. क्या ही था? एक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का पहला वाला फॉर्मूला लगाया, खत्म. ठीक है, ये क्वेश्चन देखो. If an electron in a hydrogen atom jumps from n is equal to 3 से n is equal to 2, it emits a photon of wavelength lambda. जब कोई इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम में से n is equal to 3 से n is equal to 2 पे जंप करता है तो उसका वेवलेंथ जो वो रेडिएट करता है वो है लैम्डा. जब वो n is equal to 4 से n is equal to 3 पे जंप करेगा तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ. ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है समझनी, कि हाइड्रोजन एटम है. ठीक है, हमारे लिए फॉर्मूला क्या है लैम्डा का? 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/n final² -1/n initial². हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 होगी. यहां पर n फाइनल क्या है? n फाइनल इज 2. एन इनिशियल क्या है? एन इनिशियल इज 3, क्योंकि 3 से 2 पे कूदा है ना. एन फाइनल ऑब्वियसली 2 होगा. लगाओ ना, 1/λ इज इक्वल टू आर, जेड तो 1 ही हो जाएगा, 1/4 -1/9. इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 5R/36. ठीक है, तो लैम्डा क्या आ जाएगा? 36/5R. ये तो एक बात है. अब n इज इक्वल टू 4 से अगर n इज इक्वल टू 3 पे जंप कर रहा है तब पूछा जा रहा है लैम्डा, तो 1/λ डैश मान लेते हैं उसको.
मान लेते हैं कि जब n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 पर वो जंप कर रहा होगा, तो उसकी वेवलेंथ है लैम्डा डैश, तो वो क्या हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर इज 1, 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 16, कैसे, बिकॉज n फाइनल इज 3, n इनिशियल इज 4, ठीक। तो लैम्डा डैश जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आएगा वो आएगा 9 × 16/7 आर। अब लैम्डा और लैम्डा डैश, लैम्डा कितना आया था, लैम्डा आया था 36/5 आर। अब 36/5 आर में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें ये मिल जाए, बताओ कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 20/7 से करोगे, 20/7 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 20, 4 × 36 इज नथिंग बट 144 डिवाइडेड बाई 7 आर, यही मिल गया ना हमें सेम चीज, ठीक है। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 20/7, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 20/7। पूछा गया था कि कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, तो कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ यानी पुराने वाले वेवलेंथ से कंपेयर करना था नए वाले वेवलेंथ को, तो 20/7 इज आवर आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, देख लो एक और ऑब्जर्व करो, सेम ही फॉर्मूले कितनी बार समझाओ एक ही चीज। ओके, द एनर्जी नीडेड टू डिटैच द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन लाइक आयन इन अ ग्राउंड स्टेट इज 4 रिडबर्ग, ठीक है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इज 4 रिडबर्ग। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। पहला पार्ट देखो, 1 रिडबर्ग जो होता है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, इसको याद रखना, 1 रिडबर्ग इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 4 रिडबर्ग यानी 4 × 13.6, तो 4 × 13.6 कितना होगा, फिफ्टी फोर पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम इलेक्ट्रॉन को देंगे तो वो एटम से बाहर निकल जाएगा, एटम के घर को छोड़ देगा, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक आयन है ना, क्या है, हाइड्रोजन लाइक आयन, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू 13.6 है ना, तो माइनस जेड स्क्वायर ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए, आप E1 को ग्राउंड स्टेट समझ लोगे, मुझे पता है आप महान लोग हो। एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ, माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू 13.6, यही फॉर्मूला है, जेड तो 1 हो जाएगा तो माइनस 1 बाई एन क्या हो जाएगा, 2 है ना, यही एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर होता है, सॉरी एक मिनट, लो मैं ही फॉर्मूला भूल गया, है मजा आ गया, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ही होता है ना, ठीक है, मुझे लगा मैं फॉर्मूला कैसे भूल जाऊंगा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, आ गया, तो माइनस 1/4, ठीक है, ये आ गया। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी, एन इज इक्वल टू 3, माइनस 1/3 इंटू 13.6, ठीक है, और हमें अगर क्या निकालना है एनर्जी के बीच का, ये एनर्जी के बीच का पहले डिफरेंस अगर निकाल दें तो एनर्जी के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 13.6 डिवाइडेड बाई 4 इज 3.4, ठीक है, 3.4 माइनस 3.4, या ई फाइनल माइनस ई इनिशियल ना, तो 13.6 डिवाइडेड बाई 9 कितना होगा, 9 होगा ना, तो वन पॉइंट फाइव माइनस 1.5 प्लस 3.4, ये कितना हो जाएगा, 3.4 में से 1.5 को अगर घटा दें ये आ जाएगा 1.9, तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, और हमें इससे निकालना है रेडिएशन का वेवलेंथ, लैम्डा क्या हो जाएगा, 1242 डिवाइड बाई 1.9, कितना आएगा, ये 653.68 नैनोमीटर, ये आ गया लैम्डा, ठीक है। इतनी रेडिएशन की
की वेवलेंथ इमिट होगी। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम? अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। रेडियस का फॉर्मूला होता है ए नॉट बाई जेड, ठीक है। रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए नॉट बाई जेड के बराबर, ठीक है। ए नॉट होता है 53 पिकोमीटर के बराबर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। और जेड कितना है? हाउ मच इज जेड? हाउ मच इज हाइड्रोजन लाइक आयन ना, 1। सो दिस विल बी व्हाट, 53 पिकोमीटर, दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। चलो अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये करते हैं। फाइंड द वेवलेंथ इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिटवीन द रेंज 500 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। हमें क्या बताना है? वेवलेंथ इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिटवीन 500 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो E1 क्या होता है? एच सी बाई लैमडा के बराबर, ठीक है। तो 1242 डिवाइडेड बाई 500, ये क्या हो जाएगा? 2.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। E2 क्या होगा? अगेन एच सी बाई लैमडा, 1242 डिवाइडेड बाई 700, ये क्या हो जाएगा? 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। हमने दोनों वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जीज निकाल ली। तो अब हमें क्या बताना है? फाइंड द वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ना, ठीक है। तो देखो ये जा कहाँ से रहा है? ये जा रहा है, अब ये एनर्जी अगर हम देखें 2.44 से लेके 1.77, ठीक है। तो 2.44 से 1.77 किस एक्साइटेड स्टेट में पॉसिबल है एनर्जी? देखो यहाँ पे ध्यान से, 2.44 से 1.77 n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में पॉसिबल है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू के हिसाब से। तो n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में वो पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल इन n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो डेल्टा E क्या हो जाएगा? डेल्टा E हो जाएगा n इज इक्वल टू 3 की एनर्जी होती है 3.4, और n इज इक्वल टू 2 की एनर्जी होती है 1.5, है ना। तो ये हो जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा हो जाएगा 1242 डिवाइड बाई 1.9, और इसकी वैल्यू आएगी 654 नैनोमीटर। दिस इज योर आंसर, वैल्यू क्या आएगी? 654 नैनोमीटर, एंड दिस इज योर आंसर। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट अटोमिक फिजिक्स का वन शॉट, ठीक है। आई होप आप लोग को थोड़ी पर्सपेक्टिव मिली होगी। अभी रात के 3 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ बिना किसी डिले के। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार तुम लोगों पे, फ्री में ऐसी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके लिए 2 लाख 1 लाख रुपए देते हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने जाके, है ना। तो थोड़ी सम्मान कर लो मेरी भी, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब जाने से पहले, और अपने जेईई एस्पिरेंट को क्या करना है दोस्त? शेयर, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। चलो निकलो, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी चल रहा है देख लो।